बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ, नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारे पास नाइन है। मजीद हमने लेक्चर नंबर एट तक जो भी हमने काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो इस लेक्चर का, वो हमने कर लिया। उसमें तकरीबन हर लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया। हमने सबसे पहले जो अभी तक जो हमने आठ लेक्चर्स में पढ़ा, उसमें अभी तक हमने जो काम किया वो एटम्स, जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, और एटम्स होते हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये हमने टॉपिक किया। मजीद केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसकी टाइप्स हमने पढ़ी, मजीद चार टाइप्स का हमने डिस्कस किया। हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ, मजीद हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। मजीद हमने जो है वो सेवन लेक्चर, जो सेवन्थ लेक्चर था उसमें हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, और मजीद हमने जो एट जो प्रीवियस जो हम कहेंगे उसमें हमने चैप्टर नंबर जो फोर था उसका जो लास्ट वाली टाइप थी केमिकल बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड, उसको हमने डील किया। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर नाइन है, चैप्टर नंबर फोर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा आज क्वेश्चन है जो हमने करना है, वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये तो वैसे तो ये डेफिनेशन के लास्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, लेकिन इसके आगे जो टाइप्स आती हैं वो लॉन्ग में आ जाती हैं। तो हम जी चले बात करते हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अच्छा भाई, जब हम डिस्कस करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन अ कंपाउंड कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमने कहा था द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। हमने कहा था एक मॉलिक्यूल के अंदर वो फोर्सेस जो एटम्स को जकड़ के रखती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। तो सबसे पहले उन्हीं हमने केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया, द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन अ कंपाउंड कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्सेस जो कि एटम्स को होल्ड रखती हैं आपस में वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। लेकिन इन एडिशन टू दीज फोर्सेस, लेकिन इन फोर्सेस के साथ साथ यानी केमिकल बॉन्ड के साथ साथ कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं, रिलेटिवली वीक फोर्सेस, जो काफ़ी कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, आल्सो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाती हैं। यानी इसका मतलब केमिकल बॉन्ड सिर्फ एटम्स के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि और भी कमज़ोर फोर्सेज होती हैं वो एटम्स के अंदर पाई जाती हैं, और उन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, उन फोर्सेज को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, ज़रा इसको दोबारा फिर रिवाइज करता हूँ। हमने कहा कि ताकतवर फोर्सेस के साथ साथ कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो भी क्या करती हैं, एटम्स को आपस में जकड़ के रखती हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, या IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा अभी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल HCl के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हमारे पास HCl, आपको याद होगा जब हमने ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था वहां पर हमने एक टास्क पढ़ी थी, हमने कहा था जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड होता है यानी HCl, इसके दरमियान हमने कहा था सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर हमने पढ़ा था। अब ये जो बॉन्ड है, ये हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड पाया जा रहा है ये हमारे पास कौन सा है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ये हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा भी अब जो हमने तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ना है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ पे हैं। अब क्या होता है कि यही जो HCl है इसका एक जो एटम होता है या एक मॉलिक्यूल आपके पास होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो मजीद दूसरे HCl के साथ फोर्सेस के लिए जुड़ा होता है। मजीद इसी तरह ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये मजीद क्या करेगा, ये मजीद एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ये। अब ये जो हमारे पास है, ये जो लाइन हमने जो ब्लैक कलर से शो की हुई है, ये हमारे पास है केमिकल बॉन्ड की किस्म है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो ये जो रेड कलर से डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
यानी ये हमारे पास जो फोर्सेज हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज कहेंगे। अच्छा, इस बात की आपको इस बात से पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेज होती हैं वो कितनी कमजोर होती हैं। अगर हमारे पास HCl के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, अगर इसको आपने ब्रेक करना है यानी तोड़ना है, अगर इस बॉन्ड को आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी 430 kJ पर मोल। क्या करना पड़ेगा, अगर आपने HCl के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड जो है अगर आपने उसको ब्रेकअप करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 430 kJ पर मोल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, आपको सिर्फ 17 kJ पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। इसका मतलब है काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये इतनी ताकतवर है कि इसको 430 kJ एनर्जी देना पड़ रही है, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ 17 kJ, यानी इसको सिर्फ रूट से हमारे पास 17 kJ पर मोल एनर्जी देने की। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप 17 kJ पर मोल एनर्जी देते हो तो ये क्या करती है, ये टूट जाती है। अब मजीद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं इनमें, तो हमारे पास चंद फेमस जो टाइप्स हैं हमारे पास भी टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स में आ जाता है हमारे पास वैसे ज्यादातर हम तीन टाइप्स पढ़ते हैं इसकी, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तीन टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहले हमारे पास होती है इसकी डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस हमारे पास इस तरह। हमारे पास की दूसरी टाइप्स है रेडिएशन डिस्पर्शन फोर्सेस होता है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और मजीद हमारे पास इसकी थर्ड टाइप जिसे हम हाइड्रोजन बर्निंग कहते हैं, ये हमारे पास थर्ड टाइप है। यहाँ पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पे तीन हमारे पास टाइप्स हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस, उसके बाद मजीद हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है और मजीद हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो फोर्सेज मजीद दी गई हैं हमारे पास दो जो हमारे पास दी गई हैं, यहाँ पे हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस और मजीद हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग दी गई है कि ये हमारे पास क्या फोर्सेज होती हैं। अच्छा, मजीद वैसे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये कंप्लीट जो है डापल डापल फोर्सेस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे किया जाएगा। डापल डापल फोर्सेस होती क्या है, अब यहाँ पे जिस तरह डायग्राम हमने बनाई है, हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल HCl है और ये दोबारा फिर हमने कहा कि दूसरा मालिक्यूल है HCl, और अगर ये जो HCl का एक मालिक्यूल है वो दूसरे HCl के मालिक्यूल के साथ अटैच है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज की वजह से, तो इसमें हम डापल डापल फोर्सेज किसे कहेंगे, एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ गए हैं, हमने कहा था जब हमने ये वाला काम किया, हमने पोलर में जब हमने काम किया था हमने कहा था पोलर में के जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो वीक होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव, यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो हमारे पास फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं डेवलप होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। मजीद लंडन डिस्पर्शन ये वाला तो हमारे टॉपिक में है ही नहीं है, यानी जो हमारे पास नाइन्थ का सिलेबस इसमें नहीं है। मजीद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होती है हाइड्रोजन एटम का अपने से ज़्यादा ताकतवर एटम के साथ या अपने से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाना वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। मजीद इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी बस बिल्कुल हमने जो आज काम किया सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन था, तो आज हमने जो बात की हमने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की, हमने कहा कि केमिकल
बांड जो होता है वो ताकतवर फोर्सेस को कहते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो कि वीक होती हैं लेकिन फिर भी वो एटम्स को आपस में जकड़ के रखती हैं, उनका हमने किसका नाम दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, मजीद वहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस किया। मजीद हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास क्या होती है इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह, लेकिन मजीद ये जाती है इंशाल्लाह बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। लेकिन ये HCl का बांड तोड़ना तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हमने कहा 430 ये MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ये लाहौर बोर्ड में MCQs आया था ये वाला MCQs के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जो ये दोनों चीज़ें और मजीद ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का काम था बस, तो इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और डैप और डैप फोर्स इंशाल्लाह।